जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे साथियों, हम लोग का चल रहा है त्रिकोणमिति, यानी कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जो कि आपका वीडियो वन हो चुका है, या हमारा क्या है वीडियो टू है। तो आप लोग पार्ट वन देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो है ना आपका सारा बेसिक चीज हम बताए हैं। ठीक है, तो आइए क्लास को करते हैं स्टार्ट। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। चलिए, आज का प्रश्न हमारा है, देखिए हम पहले उदाहरण एक से ही लिए हैं, इसीलिए एग्जाम्पल से लिए हैं, ठीक है ना, ताकि आपको हम बेहतर तरीका से समझा पाए। ठीक है, सवाल हमारा है, किसी मीनार से 10 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाटता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए जरा ध्यान से यहाँ पे, चलिए हम ले लेते हैं, एक शेप ले लेते हैं, दिख रहा है आप लोगों को। चलिए देखिए, मान लिया जाए कि हमारा ए और बी कोई मीनार है, ठीक है, और मान लिया जाए कोई व्यक्ति सी पर क्या है खड़ा है, और मीनार की चोटी यानी बिंदु ए को देख रहा है। जब ए को देखेगा तो वह जो है ना कितना कोण पाता है, वह 60 डिग्री के कोण पे देखता है, यानी कि जब वह व्यक्ति जो कि सी पे खड़ा है और इस चोटी को देखता है तो वह 60 डिग्री पाता है। ठीक है, और जब बोलते हैं मीनार से 10 मीटर दूर, यह व्यक्ति जो खड़ा है यहाँ पर सी पर, जो कोई व्यक्ति है, वह मीनार के पाद बिंदु से कितना दूर है, वह 10 मीटर दूर है, यह आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये वाला हमारा मीनार है, जिसका ऊंचाई हम लोग क्या मान लेते हैं, एच मीटर मान लेते हैं। माना कि मीनार की ऊंचाई हमारा कितना एच है, तो हमारा पाद बिंदु दिया गया है, कोण दिया गया है, हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई। ठीक है, चलिए माना कि मीनार की ऊंचाई एच मीटर है। देखिए हम मान लिए कि मीनार हमारा जो ऊंचा है वह कितना एच मीटर है, यानी कि ए बी जो है ना, ए बी वह एच मीटर है। ठीक है, और पाद बिंदु जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नीचे वाले को पाद बिंदु कहते हैं। ठीक है, पाद बिंदु जो है, जो बीसी आपका है, वह कितना है, वह 10 मीटर है। ठीक है, देखिए मीनार की ऊंचाई हमारा एच हो गया, पाद बिंदु कितना हो गया, 10 हो गया। चलिए आते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी सी में, जिसका की कोण भी 90 डिग्री है, यानी कि ई वाला कोण हमारा 90 है, तो इस एंगल से देखेंगे ई वाला लंब है, नीचे वाला आधार है। ध्यान दीजिएगा, अगर हमें कोई मान निकालना है तो इस पे फोकस करते हैं हम लोग, किस पर, कि जो मान निकालना है और जो मान दिया गया, बस उन्हीं को तुलना कर रहे हैं, करना है। ठीक है ना, तो इस एंगल से सामने वाला लंब, नीचे वाला आधार, तो लंब बटा आधार किस में आता है, टेन में आता है, तो लिखेंगे टेन थीटा, तो थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है, टेन 60 बराबर लंब बटा आधार, तो लंब हमारा हो जाएगा ए बी, और आधार जो है वह आधार हमारा क्या है, बी सी है। टेन 60 का वैल्यू होता है √3, और ए बी हमारा एच है, एंड बी सी जो है प्यारे साथियों वो हमारा क्या है, 10 है। गौर कीजिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या रहता है, एक रहता है, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, यानी कि एक गुना एच करेंगे तो हमारा क्या रहेगा, एच ही रहेगा। ठीक है ना, और इधर से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 10√3 हो जाएगा, इसको मीटर लिख दीजिए, यानी कि मीनार का ऊंचाई मैंने जो एच माना था वह कितना आ गया, 10√3 मीटर आ गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे लास्ट में, अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। आप चाहे तो √3 का भी मान धर सकते हैं, नहीं धरेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन आपका दो है, यहाँ पर 9.1 शुरू हो गया, वह जो क्वेश्चन था एक नंबर जो था वह 9.1 का एग्जाम्पल 1 था, है ना, उदाहरण एक था, सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने उसको लिया था। चलिए अब हम आते हैं 9.1 पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि से लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ
डॉट द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं। चलिए यहां देखे जरा ध्यान से, दिख रहा आप लोगों को, देखिए ए और बी कोई खंभा है, ठीक है, और इस खंभा से इस रस्सी को बांध दिया है। मान लीजिए कि भूमि का एक बिंदु सी है, चलिए ए भी हमारा कोई खंभा है और खंभे से और जमीन से, जमीन का बिंदु सी से क्या करते हैं, इसको तान के बांध दिया है। और इसका जो डोर है, इस रस्सी जो है, इसका लंबाई कितना बता रहा है, 20 मीटर है। और यह डोर और भूमि के साथ जो कोण बन रहा है वह कितना कोण है, 30 डिग्री है। तो हमें इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसका ऊंचाई कितनी है, एच मीटर है। इसी पर जो सर्कल का जो कलाकार है यहां पे चढ़ता उतरता है, अपना कला दिखाता है, ठीक है। चलिए आते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। देखिए जो हमें निकालना है पहले उसको मान लेते हैं, बिल्कुल सिंपल यह सवाल जो है ना बहुत ही सिंपल होता है। पहले देखिए जो आपको निकालना है ना, पहले उसे आप मान लीजिए। क्या निकालना है, हमें निकालना है खंभे की ऊंचाई, तो हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। माना कि खंभे की ऊंचाई, चलिए हम मान लेते हैं क्या ऊंचाई हमारा एच मीटर है। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एच मीटर का मतलब हो गया हमारा ए बी जो है वह एच मीटर है, देखिएगा ध्यान से। और उसके बाद यह डोर है हमारा, ए सी क्या है, यह रस्सी यानी कि डोर ही है, डोर है। तो ए सी, चलिए यहां पे एक चीज लिख दीजिए, डोर की लंबाई, डोर की लंबाई। देखिए डोर हमारा क्या है, ए सी है, यह कितना है, 20 मीटर है। डोर एसी की लंबाई हो गया 20 मीटर। तो चलिए आते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज में। चलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कि कोण बी जो है वो 90 डिग्री है, इसलिए हम 90 दर्शाते हैं कि हमें जो है ना ये 90 है, तो बिल्कुल यहाँ समकोण त्रिभुज बन गया। तो इस एंगल से देखिए, देखिए आपको हम क्या बताए थे, जो कोण दिया गया है, जो निकालना है, सॉरी जो भुजा दिया गया और जो निकालना है उस पर फोकस करना है। तो इस एंगल से यह लंब, यह हो जाएगा कर्ण, लंब बटे कर्ण, या इस एंगल से आप पहले कर्ण ले सकते हैं, बाद में लंब, कर्ण बटे लंब आपका हो जाएगा किसमें, कोसेक में आ जाएगा। तो इधर से ही लेते हैं, इस एंगल से लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण किसमें आता है, साइन में आता है। क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री, लंब बटे कर्ण यानी कि ए बी बटे क्या हो जाएगा हमारा, ए सी हो जाएगा, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू आप सबको याद होना चाहिए, 1/2 होता है। और ए बी हमारा तो एच है, एंड ए सी हमारा डोर की लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। चलिए यहां से काट सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा गुना में आ जाएगा भाग में, यहां से काट सकते हैं। एक बार में कट गया, 1 × h तो हमारा हो जाएगा h, एंड 10 × 1 तो हो जाएगा 10। चलिए यही हमें h निकालना था, ऊंचाई निकालना था, तो हमारा जो खंभा है, खंभा की ऊंचाई कितना आ गया, तो हमारा आ गया 10 मीटर। तो क्या करेंगे, लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। चलिए बस हो गया, है ना, बहुत ही सिंपल है। चलिए इसको फिर से आप लोग इस क्वेश्चन का कर लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो भी डाउट रहेगा ना, आप सभी कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अगले वीडियो को बनाएंगे। जो भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, समझ में आता है अथवा नहीं आता है आप यह भी कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि हमें समझ में तो आए कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, राइट। चलिए देखिए सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, जब आंधी आता है तो एक पेड़ क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है, टूटने दीजिए। और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, यानी कि मचक के जमीन को छूता है, टूट के, पर टूट के गिरता नहीं बल्कि टूट के वो लटक जाता है और जमीन को छूता है, ठीक है। और इस तरह से छूता है कि इसके साथ वह कितना कोण बनाता है,
30 डिग्री का कोण बनाता है और पेड़ पेड़ से पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह जो है ना 8 मीटर की दूरी पर छू रहा है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए आपको पहले हम एकदम आराम से समझाते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, मान लिया जाए हमारा जो है ना ये हमारा जमीन है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, जमीन है और पेड़ की ऊंचाई मान लिया जाए यहां है, एकदम इतना लंबा है, यह हमारा क्या है पेड़ है ए और बी, यह हमारा क्या है पेड़ की लंबाई, रियल में इतना लंबा है, लेकिन जैसे आंधी आता है तो मान लिया जाए यह बिंदु सी से वह टूट के झुक जाएगा, कैसे झुकेगा जब यहां से टूटेगा ना वह आके ऐसे झुकेगा, चलिए आपको थोड़ा यह जब टूटेगा तो ऐसे झुकेगा, यहां आके जमीन को छूने लगता है, ठीक है। तो एक बात चलिए मान लिया कि डी बिंदु पे छू रहा है, एक बात गौर कीजिएगा आपका यह जो ए से सी जो हिस्सा हुआ ई वाला जो हिस्सा हुआ यही वाला हिस्सा यहाँ पे झुक रहा है, इसका मतलब हुआ इसका लंबाई और इसका लंबाई आपस में क्या होगा बराबर होगा, फिर से इसी पेड़ का डंडी को मतलब ठल्ली को खड़ा कर देंगे ना फिर से हमारा क्या हो जाएगा पेड़ हो जाएगा, कहने का अर्थ हुआ कि ई वाला हिस्सा ही टूट के यहाँ झुक गया है, इसका मतलब हुआ ई वाला हिस्सा और ई वाला हिस्सा दोनों एक ही चीज है हमारा, क्लियर है सबका। तो चलिए हमें निकाला पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका भी लंबाई निकालना पड़ेगा और इसका भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसको इसको जोड़ेंगे तब ना हमारा पेड़ लंबा होगा, यानी कि हमें इसका भी लंबाई चाहिए और इसका भी लंबाई चाहिए। तो मान लेते हैं यहां से हमारा पेड़ है और इस पेड़ की जो ऊंचाई है सीधा सीधी हम लोग कितना मान लेते हैं एच मीटर मान लेते हैं, या 90 डिग्री होगा, क्या मान लेते हैं एच मीटर मान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा एक बात कि हमें इसको निकालना है और इसको निकालना है, बाद में क्या करेंगे इसको इसको जोड़ेंगे तो हमारा पेड़ लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, चलिए माना कि पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई एच मीटर है, देखिए ध्यान से हम लोग मान लिए हैं कि पेड़ का जो पूरा संपूर्ण ऊंचाई है इकट्ठे यहां से लेकर यहां तक हमारा कितना एच है, एच कहने का मतलब हुआ कि हमारा ए सी प्लस बी सी है ना, इन दोनों मिलाकर हमारा एच मीटर हुआ, समझेगा था ध्यान से, ये हमारा ऊंचाई ए से बी यहां जो हुआ यहां से हुआ ए बी जो हुआ तो ए सी जोड़ बी सी तब ना मेरा यहां से एच हो गया, यानी कि अगर हमें एच निकालना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा ए सी में बी सी को जोड़ना पड़ेगा, तब हमारा जो है ना पेड़ का पूरा ऊंचाई निकल आएगा, क्लियर है सबका। चलिए और यहां देखिए जहां पर जमीन का शिखर के साथ डंडी झुका हुआ है यहाँ पे टूट के, इसका जो दूरी दिया गया है बोलता है कितना है 8 मीटर है, यह 8 मीटर है और जमीन के साथ ही पेड़ का जो ठल्ली जो झुका होता है वो 30 का कोण बना रहा है, कितना कोण 30 का कोण बना रहा है, चलिए क्लियर है ना। तो आते हैं समकोण त्रिभुज में, पहले इसको निकालते हैं फिर इसको निकालते हैं, या उसको निकालिए या इसको, कोई बात नहीं है, तो हम क्या करते हैं पहले इसको निकालते हैं बाद में इसको निकालेंगे। तो देखिए जरा ध्यान से, इस एंगल से यह लंब और नीचे दिया गया है आधार, लंब बटे आधार किस में आता है टेन में आता है, तो पहले लिख लेते हैं पाद बिंदु हमारा जो है ना बी डी है और वह बी डी कितना है हमारा 8 मीटर है, ध्यान दीजिएगा कितना है हमारा 8 मीटर है। चलिए हो गया ना 8 मीटर है। आते हम लोग समकोण त्रिभुज किसमें, याद रखिए सी बी डी में या फिर बी सी डी में, तो लिखिए बी सी डी में आते हैं जिसका कि कोण हमारा बी क्या है भाई 90 डिग्री है। अब देखिए ध्यान से, इस एंगल से ई वाला लंब हो गया, नीचे वाला आधार हो गया, लंब बटे आधार किस में आता है हमारा टेन में आता है, तो लिखेंगे टेन 30 डिग्री लंब हो गया हमारा, यहां से यहां त्रिभुज भर देखना है बी सी एंड आधार हमारा हो जाएगा बी डी हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए,
टेन तीस का मान होता है 1/√3 होता है बच्चों, ठीक है ना। और बीसी देखिए, बीसी तो हमें निकालना है, बीसी तो बीसी ही रहेगा। एंड बीडी, तो बीडी का वैल्यू हमारे पास कितना है, 8 है। इधर से गुना कर देंगे, जैसे गुना करेंगे ना, गुना करेंगे तो होगा √3 × BC। और इधर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 1 × 8, तो 8 ही रहेगा। अब हमें निकालना है बीसी, तो क्या करते भाई, चलिए बीसी बराबर 8/√3 हो जाएगा √3, क्योंकि गुना हो गया हमारा किसमें, भाग में आ गया। इसे चाहे तो हम लोग समीकरण 1 भी बोल सकते हैं, चलिए समीकरण 1 बोल दिए। चलिए हमारा तो हमारा बीसी वाला जो मान का जरूरी था यह निकल गया, क्लियर है। अब निकालते हैं ई वाला मान, इस एंगल से देखिए आधार बट्टे कर्ण, या फिर यह मान तो निकल गया है ना, तो इस एंगल से लंब बट्टे कर्ण साइन में निकाल सकते हैं। चलिए पुनः समकोण त्रिभुज BCD में, इसका कोण बी क्या है हमारा, 90 डिग्री है, दिख रहा है सबको। तो इस एंगल से लंब हो जाएगा कर्ण, लंब बटे कर्ण किस में आता है हमारा, साइन में आता है, साइन 30 डिग्री है। और लंब तो हमारा हो जाएगा BC, एंड कर्ण जो हो जाएगा वो हमारा CD हो जाएगा, CD बोलिए या फिर DC बोलिए। तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, एंड BC तो BC ही रहेगा। ऐसे चाहते यहाँ पर BC का मान यहाँ बैठा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं बैठाएंगे सिस्टम से, CD तो CD ही रहेगा। चले इधर से कोना कोनी गुना करते हैं, इधर से गुना करेंगे तो CD × 1 तो हमारा हो जाएगा CD, एंड इधर से जब गुना करेंगे तो 2 × रहेगा हमारा क्या, BC रहेगा। तो CD बराबर 2 × अब देखिए BC का मान हम तो निकाले हुए हैं ना, यहाँ पे देखिए BC का मान 8√3, यानी कि 8/√3, यह कहाँ से आया, तो लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट, इसको घेर दीजिए, इसका मतलब हुआ यह मान जो है हमारा समीकरण 1 से आया हुआ है, क्लियर है सबका। चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं CD बराबर 8 × 16 हो जाएगा √3 मीटर। चलिए अब ध्यान से देखिए, हमें इसका जरूरी था और इसका जरूरी था, वह निकल गया। अब हम लोग पेड़ का ऊंचाई आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, पहले इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इसको हम मिटाएंगे। चलिए हो गया, इतना जरूरी था हमको। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमें पेड़ की ऊंचाई निकालना है तो AC जोड़ BC करना पड़ेगा, यानी कि AC में BC को जोड़ेंगे तब ना हमारा H निकलेगा। और हम लोग को पता है एक चीज कि ई वाला जो हिस्सा है, ई वाला हिस्सा इसके बराबर है, क्योंकि यही तो हिस्सा के टूट के यहाँ पे बैठा हुआ है, यानी इसका लंबाई आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे क्योंकि ई जो है ना हमारा AC जो है भाई हमारा AC वाला हिस्सा जो है CD के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए हमारा AC जो है वो CD के बराबर हो जाएगा। तो CD कितना निकला हुआ है, तो 16/√3 मीटर। अब निकाल लेते हैं पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई, क्या लिखेंगे, अब पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई है ना, संपूर्ण ऊंचाई जो हमारा H है ना, और H में कब मिलेगा, AC जोड़ BC बराबर होगा पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई BC। चलिए AC का मान कितना आया था, हाँ उसका आया था 8/√3 और प्लस AC इतना था, सॉरी माफ कीजिएगा, AC जो है आपका 16/√3 है प्लस BC, हाँ BC का मान कितना है, 8/√3 है। चलिए लघुतम हो जाएगा √3, 16/8 कितना हो जाएगा 24। अब क्या करते हैं, ये जो नीचे में √3 है ना, इसका कर देंगे परिमेयकरण, है ना, क्या कर देंगे परिमेयकरण, तो √3 दोबारा लिखेंगे ऊपर और नीचे, हाँ
हाँ गुना करेंगे तो 24 रूट थ्री हो जाएगा, नीचे गुना करेंगे रूट तीन हो जाएगा, तीन तीन अट्ठे हो जाएगा 24, तो हमारा हो जाएगा 8√3 मीटर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि पेड़ की जो संपूर्ण ऊंचाई निकल गया ना, वो कितना आ गया आपका 8√3 मीटर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा आपको यही सब समझ में आया या फिर नहीं आया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राइट, चलिए। हाँ जी, ये क्वेश्चन तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। सवाल क्या है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक ठेकेदार है, लड़की ही ठेकेदार है, औरत होगी है ना, और वह जो है एक पार्क में बच्चों को ससरने के लिए ना फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। आप लोग स्कूल वगैरह में जब मिडिल स्कूल में पढ़ते होंगे ना, तो शायद आप लोग भी जो है ना इस तरह ढालू बना हुआ रहता है सीमेंट का, यहाँ से पीछे सीधे रहता है, चार क्या से सो सो ससरते से ससरते है ना, हम लोग तो खुद ससरते थे, पिछला पेंट का जो हिस्सा होता है ना क्या जाता था जी। ठीक है, तो लगाना चाहती है, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। यानी कि दो तरह की फिसलन पट्टी बनाएगा, एक होगा 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा का, एक होगा 5 वर्ष से ज्यादा उम्र का बच्चा होगा। जो 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है उसका जो ऊंचाई है 1.5 मीटर का है, और भूमि के साथ वह 30 का कोण बनाता है। ठीक है, झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए बताइए। चलिए, इसमें 2 सवाल है, पहले आपको ना ई वाला यहाँ से आई है ना छोटा 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा, उसको पहले बना के दिखाते हैं। ठीक है ना, बाद में हम लोग आएंगे 5 वर्ष से ज्यादा का उम्र बच्चा। चलिए, हाँ देखिए जरा ध्यान से, ई ए ई बी एंड ई सी, यह जो है ना 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चों के लिए है। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लिख सकते हैं, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। क्लियर है, तो इसका जो ऊंचाई है शिखर का 1.5 मीटर दिया गया है, एंड भूमि के साथ यह जो कोण बनता है वो इसका बनता है 30 डिग्री। तो हमें निकालना है फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा, तो बच्चा सब ना इधर से सरता है इसमें, ये हमारा क्या हुआ फिसलन पट्टी हुआ, इसका लंबाई निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका लंबाई जो है ना भाई मेरा x मीटर हो सकता है ना। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए, माना कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों वाला फिसलन पट्टी की लंबाई x मीटर है। मान लिए हम लोग, क्या मान लिए, मान लिए कि 5 वर्ष से कम उम्र का जो बच्चा है उसका फिसलन पट्टी का लंबाई कितना है x मीटर है। यानी कि एसी हमारा कितना हो जाएगा, एसी हमारा हो जाएगा एक्स मीटर हो जाएगा। क्लियर है, उसके बाद इसकी ऊंचाई जो है फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है, ऊंचाई जो कि हमारा ए बी है वह कितना है 1.5 मीटर है। तो आते हम लोग समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका की कोण भी क्या है भाई हमारा 90 डिग्री है। तो ध्यान से देखिएगा, जो चीज दिया गया है जो निकालना है उसी पे फोकस करना है। तो इस एंगल से लंब हो जाएगा, इसको निकालना है तो इस एंगल से लंब एक कर्ण हो जाएगा। लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा हमारा साइन में होता है, लंब बटे कर्ण किस में होगा साइन थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री लेना है, कितना भाई 30 डिग्री। लंब हो जाएगा हमारा ए बी एंड आधार कर्ण जो है कर्ण हो जाएगा ए सी, और ऐसी ही तो हमारा क्या फिसल पट्टी है।
तो साइन थीटा का वैल्यू होता है 1/2 एंड ए बी, तो ए बी हमारा 1.5 है एंड ए सी जो है ए सी हमारा कितना है x है, इधर से गुना कर देंगे कोटों से मल्टीप्लीकेशन, तो x गुना एक बच्चों हो जाएगा x एंड इधर से गुना कर देंगे 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, एक अंक के बाद क्या हो जाएगा दशमलव हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 मीटर, क्या हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 0 खत्म, तो कितना हो गया 3 मीटर बचाना, यानी कहने का अर्थ हुआ कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी का जो लंबाई होगा ये कितना होगा 3 मीटर का होगा। एक तो हमारा आंसर यहाँ पे निकल गया, ये कैसा निकल गया 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चों के लिए। अब हम लोग चलते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए चलते हैं, ठीक है ना, लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों वाले फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है हमारा 3 मीटर है। चलिए एक सवाल तो हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसका दूसरा सवाल में, चलिए हो गया हमारा। चलिए अब जो हम बनाएंगे यह होगा 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए, तो इसका फिसलन पट्टी थोड़ा क्या होगा थोड़ा अधिक ढाल वाला होगा, क्योंकि 5 वर्ष से अधिक वाला है तो इसका ढाल क्या होगा, चलिए ई पी क्यू और आर यहाँ पे 90 डिग्री। अब पी क्यू आर क्यों दिए, क्योंकि 5 वर्ष से कम उम्र का जो बच्चा है उसका एबीसी माने है तो इसका मानना पड़ेगा पी क्यू आर, दोनों को सेम नहीं मान सकते, ठीक है ना, यह हमारा 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए है, ठीक है ना, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है और इसका जो ऊंचाई है वह 3 मीटर है और भूमि के साथ कोण कितना बनता है 60 डिग्री बनाता है, देख लीजिए 60 का कोण बनाता है, इसकी ऊंचाई कितनी है 3 मीटर है, तो इसके फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, है ना, तो हम लोग मान लेते हैं फिसलन पट्टी जो है ना इसको मान लेते हैं कि वाई मीटर है, कितना है जी वाई मीटर है। चलिए माना कि 5 वर्ष से अधिक, ठीक है, उम्र वाले बच्चों के फिसलन पट्टी की लंबाई कितना मान लेते हैं y मीटर है, कहने का मतलब हुआ कि पी आर जो है वह कितना हमारा y मीटर है और ऊंचाई जो इस फिसलन पट्टी की ऊंचाई दिया गया है या ऊंचाई कितना है पी क्यू, यानी कि पी क्यू का मतलब हो गया आपका 3 मीटर दिया गया, क्लियर है सबका। अब देखिए इस एंगल से यह लंब यह हो जाएगा कर्ण, लंब हटे कर्ण किसमें साइन में, तो लिखेंगे क्या समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका की कोण क्यू हमारा क्या भाई 90 डिग्री है, ये वाला क्या हमारा 90 डिग्री है, तो इस एंगल से लंब हटे कर्ण हो जाएगा किसमें साइन में हो जाएगा, साइन कितना 60 डिग्री, लंब हटे कर्ण लंब हो जाएगा हमारा पी क्यू एंड कर्ण हो जाएगा हमारा क्या पी आर हो जाएगा, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 होता है। चलिए पी क्यू तो पी क्यू हमारा है 3 एंड पी आर तो हमारा वाई है भाई। चलिए ऐसा करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देते हैं, इधर से गुना करेंगे तो होगा √3 × y और इधर से गुना करेंगे 3 दूनी हो जाएगा 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 है ना, ये गुना में √3 इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो आ गया भाग में आपका, कर दीजिए इसका परिमेयकरण √3/√3, तो y बराबर आपका हो जाएगा 6√3 बट गुना करने पर 3 तो 3 3 से गुना करेंगे काटेंगे तो 3 दूनी 6, तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 2√3 मीटर हो गया आंसर। इसको क्या यह हमारा क्या निकला, यह निकला हमारा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई निकल गया, तो हो गया, तो यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे अतः 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले
बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना कहता? हाँ, 2√3 मीटर है। बस हो गया आंसर, ठीक है। तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या फिर नहीं आया, तो आप सभी अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए क्लास बस इतना ही, हमारा पार्ट टू है और पार्ट थ्री बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अपना फीडबैक, अपना जो है ना सहमति प्रदान कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा या फिर कुछ कमी है या फिर क्या है प्रॉब्लम, आप लोग बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।